हिट एंड रन कानून के विरोध में चल रहे ट्रक चालकों की ओर से चल रहे हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम जनता और ड्राइवरों पर अत्याचार और अन्याय करने वाला कानून जब तक सरकार पीछे नहीं लेती, हम ड्राइवरों के साथ है। किसानों पर अन्याय अत्याचार करने वाला जुल्मी कानून कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने लाया था, उसके खिलाफ में किसानों ने रास्ते पर उतरकर इनका विरोध किया और वो काला कानून, तीन जो काले कानून थे, कायदे थे, उनको रद्द करना पड़ा। आज भी ऐसे ही एक आम लोगों पे अत्याचार करने वाला, अन्याय करने वाला कानून केंद्र सरकार ने पारित किया है। जो चालक है, ड्राइवर है, ड्राइवरों को अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की सजा, ऐसा ही काला कानून बनाकर मुझे लगता है कि देशभर के ड्राइवरों को उन्होंने रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर किया है। अगर कोई ड्राइवर के पास में, चालक के पास में 7 लाख रुपए होते तो नौकरी क्यों करता, दूसरे की गाड़ी क्यों चलाता? ये गरीब आदमी जो इसके भरोसे अपना पेट पालता है, अपने फैमिली को पालता है, ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जो कानून उठाया, कानून किया है, ये कानून का हम सख्त विरोध करते हैं। ये कानून पीछे लेना चाहिए और ड्राइवरों ने जो आंदोलन शुरू किया है उसको भी हम पूरी ताकत से पाठिंबा, हम उसको सपोर्ट करते हैं, दर्शाते हैं। और जब तक ये कानून, काला कानून, ये जनता को गुरी धर के अन्याय करने वाला कानून जो है, इसको पीछे नहीं लिया जाता, तब तक हम लोग ड्राइवरों का, चालकों का साथ देते रहेंगे। और ये कानून पीछे लिए बगैर सरकार को कोई रास्ता नहीं दिखेगा।